Hi, my name is Sufyan Junaid. My name is Anas. I'm wearing a kurta today, so it's a special occasion. Mera naam Aditya Kulshrestha hai. Some people call me Kullu also. My name is Nidhi. My name is Pulkit. Aur mujhe pata nahi tha ki kurta pehen ke aana hai. I also washed my face for this. Me and my brother were 10. Ek baar tha aise, hum log 10 saal ke the. दोनों नहीं, मैं 10 साल का था, वो छोटा है. He was 8. It has to be 17 January 2017, the day I lost my father. This is 2014. मैं 12th करने के एक साल की बात है. मैं एनिमेशन पढ़ने के लिए चंडीगढ़ गया था 3 साल का कोर्स करने. I suffer from anxiety. मेरे को anxiety है, बहुत ज़्यादा severe. I've just came out of medications. तो there was a time when I was going through it. और पिछले साल की बात है. बहुत ही funny story है, बहुत ही depends what you take from it. But I like to make jokes out of it because that's how I deal with it. मेरे पापा का death हुआ था when I was in 9th grade. And मेरे को बोला था कि शायद तेरे पापा मर गए हैं. One thing you should know, you should never tell a 9th standard 14-year-old girl तेरे पापा शायद मरे हैं, शायद जिंदा है. And I'm like, क्या है, जिंदा है कि मरे हुए हैं? So हम लोग स्कूल वैन में जाते थे. तो वैन मतलब बस की तरह नहीं होती है. बस में यू यूजुअली हैव योर ओन ग्रुप्स, बट वैन में जनरली सब यहाँ बैठे होते हैं. तो यू एंड अप बिकमिंग फ्रेंड्स विद एवरीबडी. सो ऐसे ही था, हम लोग की बहुत अच्छी दोस्ती थी वैन में सबसे. एक फ्रेंड हमारा था, उसने बोला कि आज शाम को मेरे घर पे खेलते हैं. लाइक गुड. उसके घर पे हम दोनों गए, काफ़ी मज़ा आया, बहुत बढ़िया हम लोगों ने खेला. ही इज़ लाइक, आई हैव अनदर फ्रेंड हियर, लेट्स गो टू देयर प्लेस एंड वील प्ले देयर. एंड इट वाज फैंटास्टिक. हम वहाँ गए और ज़्यादा मज़ा आया, बहुत बढ़िया. एंड या मतलब काफ़ी कूल सीन था. मतलब मैं पार्टी करके मस्त घर पे आ रहा था. इट वाज द डे आई वाज ट्राइंग टू फिट इन these Jai Hind college people around them, and mast ekdam party kiya, ghar aaya aur so gaya. Achanak se dusre room se aawaz aayi ki that's not feeling good, and I'm like, theek hai, that's not feeling good, he has diabetes, he doesn't feel good sometimes. So I was like, theek hai, koi na, सो जाते. एंड एंग्जाइटी में जो बेसिक मेजर सिम्टम्स होते हैं इज दैट देयर इज़ वन थॉट विच इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड, वो लूप पे चलता रहता है. एंड यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द वियर्डेस्ट, यू आर कैटास्ट्रोफाइजिंग, उसका एक टर्म है कि आप सबसे वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियोस उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हो. तो योर माइंड, आपका दिमाग जो है वो कॉन्स्टेंटली वर्क पे रहता है. तो यू कांट फंक्शन प्रॉपरली बिकॉज आप बाकी डिसीजंस नहीं बना सकते, बाकी चीज़ें नहीं कर सकते, बाकी चीज़ें सोच नहीं पाते हो अगर आपकी बहुत ज़्यादा सीवियर है तो. एज एन एनिमेशन स्टूडेंट, the only asset you have is your laptop, jispe kyunki it's a very heavy machine that your parents buy for you so that you can learn Photoshop, Premiere and then like 3D animation softwares. And I was like, wo mera sabse pyara aisa asset tha mere paas. Everything was going like kind of okay, bachpan ke din whatever, but unki mummy ne na ek neembu pani hame pilaya, bahut zabardast. To maine generally neembu pani piya hai life mein, bahut बहुत पिया, पर उनके घर पे कुछ अलग ही, मतलब वो सीक्रेट मसाले वगैरह जैसे बोलते हैं कुछ, तो ऐसा कुछ उन्होंने डाल रखा था. बट व्हाट आई कुड आइडेंटिफाई वाज पानी, नींबू, नमक, चीनी और काला नमक. आई कुड टेस्ट अ बिट ऑफ काला नमक इन दैट. इट वाज द बेस्ट नींबू पानी आई हैव एवर हैड इन माय लाइफ. इट वाज फैंटास्टिक. I acted like I didn't care, and I was too angry with him because he had left us, and I was too angry with him, and I was like, ha, good, glad he died. And then once I became older, I was like hoping ki jo maybe tha, ki matlab maybe your dad is not dead. I was relying on the maybe a lot. I was like, maybe he's not dead, maybe he's alive, maybe he wants to meet me. To aisa hota tha ki main gaadi chala raha hu and I have to take a right turn, और मैं राइट टर्न लेता ही नहीं था. जैसे मेरे को पेट्रोल भरना, एक बार बहुत मैं हाईवे पे गाड़ी चला रहा था, स्कूटी चला रहा था, एंड मेरे को पेट्रोल भरना था. एंड वो भी होता था कि पेट्रोल खत्म हो रहा था, तो आई वाज फीलिंग मोर एंड मोर एंग्जियस कि ओके द पेट्रोल विल एंड एंड आई हैव टू बी हियर ऑन द हाईवे एंड आई हैव नोबडी, नो वे टू गो. ये सब चीज़ें हो रही थी और सामने पेट्रोल पंप है, सो आई जस्ट हैड टू टेक अ राइट टर्न. बट मैं जब जब वो रोड पर जाता था और राइट टर्न आता था, और बिकॉज आई वॉज सो मच इनग्रॉस्ड इन माई थॉट्स, तो मैं वो राइट टर्न ले नहीं पाता था. मैं उससे आगे चले जाता था, फिर मैं देखता था वो पीछे रह गया, फिर मैं पीछे आता था. लेकिन फिर जब तक वो राइट टर्न आता था, फिर आई वॉज टू मच इन टू थॉट्स. तो मैं कम से कम मैंने 20 से 25 मिनट वो हाईवे पे ऐसे ऐसे किया, और सामने मेरे को दिख रहा है पेट्रोल पंप, बट आई कॉन्ट रीच दैट. सो दैट्स अ वेरी हेल्पलेस सिचुएशन. तो फिर उसी सिचुएशन में देर वॉज अ मंथ विच केम लास्ट ईयर.
फिर से आवाज़ आई कि सुफियान अब्बा को सांस लेने में तकलीफ हो रही है. And I was like, okay, oh, this is serious, dude. तो मैं गया उस रूम में एंड देन आई जस्ट सॉ हिम स्ट्रगलिंग एंड आई एम लाइक डूड दिस इज नॉट द मैन आई नो. आई थिंक इज आई बेली न्यू हिम बिकॉज वी ऑलवेज यूज टू फाइट अबाउट थिंग्स क्योंकि मैं तो हीरो और उनको हीरोज पसंद नहीं है बिकॉज ही इज ऑलवेज बीन अ बैकग्राउंड आर्टिस्ट एंड इट्स नॉट इन अ बैड वे. मतलब वो हमेशा से पीछे रहते हैं, लोगों को चलने दो, हम अपना काम करते रहेंगे, वो इस मेंटालिटी के है. और मैं तो मेन कैरेक्टर हूँ, मैं हमेशा जगह पे रहता हूँ, वही रहता हूँ एंड आई मेक श्योर एवरी वन इज लुकिंग एट मी. सो वी ऑलवेज हैड दिस थिंग कि आप गलत हो एंड ही इज लाइक नहीं तुम गलत हो. दिस इज 2nd August 2014. मैं उठा और वन फाइन डे आई वोक अप एंड आई सॉ कि मेरे रूम में मेरा लैपटॉप नहीं है. नॉट अ फाइन डे एक्चुअली, वेरी सैड डे. एंड और मुझे पता नहीं क्या करना है. एक तो मेरा फैमिली वहाँ से कुछ 5 घंटे दूर था. बचपन से जब भी कुछ तुम्हारे साथ बुरा होता है तो तुम्हें कोई बताने वाला होता है कि सब ठीक हो जाएगा. यू नो सब ठीक नहीं होगा बट कोई बोल देता है तो शायद बेटर फील होता है. एंड सडनली आई हैड टू बी मैच्योर इनफ टू रियलाइज कि सब ठीक नहीं होगा. एंड ऑल्सो इट हिट मी बैडली कि मेरे साथ बुरा हुआ है क्योंकि आई हैड बीन दैट गुड पर्सन हु थॉट कि मतलब चोरी तो दूसरों के घर होती है. लाइक यू ऑलवेज हेयर न्यूज़ अबाउट कि अच्छा उसके घर चोरी हुई है. लाइक तुम्हारे साथ थोड़ी होती है. प्ले टाइम इज ओवर. हम लोग बैठे हैं उनके बेडरूम में, एवरीबडी इज सिटिंग. हम लोग बात कर रहे हैं उनसे. इट्स रियली नाइस एंड इट एंड्स विद देम आस्किंग आवर नेम्स एंड वी गो होम. वेरी सिंपल, वेरी क्यूट डे. द नेक्स्ट डे वी गो टू स्कूल. माई फ्रेंड कम्स अप टू मी एंड सेज, तुमने क्या बोला तुम लोग उनसे, क्या बात हुई तुम्हारी, बहुत गुस्से में थे वो लोग. और मैं और मेरा भाई बहुत एकदम परेशान हो गए कि मतलब कुछ नहीं यार, हम तो पढ़ाई वगैरह की बात चल रही थी, बहुत जनरल बात हो रही थी, वी डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट. एंड ही आल्सो हैड अनदर फैमिली अपार्ट फ्रॉम अस, सो आई वाज वेरी क्यूरियस हु इज दिस अदर फैमिली दैट ही इज गॉटन इनटू एंड एवरीथिंग. बट इन द पेंडेमिक इज व्हेन, सॉरी आई टू ब्रीथ, क्वाइट एन एंशियस टॉपिक, बट इन द पेंडेमिक इन 2020 हिज फैमिली रीच्ड आउट टू अस एंड दे सेड दैट योर फादर इज नो मोर. And now I'm a 25-year-old adult. And now I'm like, oh fuck, this man who I have waited. Like, I've had a very bad dating history because I've dated all emotionally unavailable men because my father was so unavailable to me. So I have waited for this guy to come back into my life, much like I have waited all the guys who leave me to come back into my life. So there's a parallel over there. So I was waiting, and then in the pandemic we find out this guy is dead. And I'm like, great. You had one job to stay alive which you couldn't. तो बहुत ही मुश्किल मन था. मैं अपने शहर से दूसरे शहर में रहता था और मैं घर सॉर्ट ही नहीं हो पा रहा था. मतलब बहुत मुश्किलों से घर, मतलब घर ही नहीं मिल पा रहा था कि जहाँ प्रॉपर आपका घर हो. आई वॉज लिविंग इन अ वेरी बैड सिचुएशन. अजीब सा घर था बहुत. खाने का कुछ प्रॉपर नहीं हो पाया था. और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज बॉय स्कूल, मेरी मामे को मतलब बोलती थी तब मैं नहाता था, बट यहाँ पर मतलब आई वॉन्टेड टू बाथ लाइक प्रॉपर. आई वॉन्टेड टू हैव अ प्रॉपर गर्म पानी से नहाना चाहता था, जो कि हो मिल ही नहीं पा रहा है, जो बेसिक चीज़ें नहीं मिल पा रही आपको. और एक आई फिर आई वॉज ग्रोइंग थ्रू अ ब्रेकअप ऑल्सो, तो सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं और एंगजाइटी इज लाइक पीकिंग लाइक एनीथिंग. आई हैड टू बी अ मैच्योर पर्सन एंड गो टू पुलिस स्टेशन टू फाइल अ रिपोर्ट वाइल आई वॉज गोइंग थ्रू दिस ट्रामा ऑफ, बिकॉज मेरा सारा काम उसमें था. मेरे लैपटॉप बैग में मेरा वॉलेट भी था एंड ठीक है 800 रुपये थे, बट स्टिल एज अ स्टूडेंट आई वॉज नॉट अर्निंग एट दैट टाइम. सो ऐसा नहीं था कि मैं पापा को बोल दूंगा कि मैं यू नो पैसे कमा के दोबारा ले लूँगा. मुझे पापा से ही पैसे मांगने थे और पापा के पैसों का ही लैपटॉप था. सो या एज एन अडल्ट मैंने बोला चलो बनते हैं मैच्योर, जाते हैं पुलिस स्टेशन. इन द फर्स्ट डे आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, यू एक्सपेक्ट कि पीपल आर नॉट एम्पथेटिक इनफ, बट लाइक यू एक्सपेक्ट एम्पथी वेन योर जब तुम्हारा कुछ चोरी हुआ है. बट द फर्स्ट थिंग आई गॉट टू हेयर फ्रॉम द पुलिस वॉज कि पक्का तूने चोरी किया होगा, तूने मतलब छुपाया होगा लैपटॉप, बेच के ड्रग्स खरीदने होंगे तुझे.
और इसीलिए तू ऐसा अब रिपोर्ट लिखाने आया कि इंश्योरेंस के पैसे से लैपटॉप भी मिल जाए और तू ड्रग्स भी कर ले. एंड मतलब आई वाज शैटर्ड फॉर श्योर, बट आई वाज लाइक हु डू आई गो टू नाउ. आई वाज जस्ट अबाउट टू गेट ऑन टू मेडिकेशंस, एंड अगर आप मेडिकेशंस लेते हो तो देयर आर द साइड इफेक्ट्स. सबसे पहला साइड इफेक्ट्स है कि आपको दे कीप यू डाउन, सो यू फील स्लीपी ऑल डे. एंड उस टाइम पे मेरे बहुत एक्सटेंसिव शूट चल रहे थे, आई हैड टू बी एट शूट फॉर लाइक 12 hours, 14 hours दिन में. एंड देन आई कुडंट स्लीप बिकॉज मेरा ब्रेकअप चल रहा था, आई हैड टू डील विद दैट ऑल्सो. उसी के साथ साथ मेरा जो घर था वो जाने वाला था, कि फॉर एग्जाम्पल जैसे 12 तारीख को देवर लाइक कि 12 तारीख को यू हैव टू वेकेट द हाउस, और मैंने एक दूसरा घर देख लिया था विच आई लाइक. और मैं 12 तारीख को सुबह अपने घर से सामान वामान सब लेके आई वेंट टू दैट प्लेस, वो वाला घर. तो आई बेली न्यू द मैन एंड आई वॉज लूजिंग द मैन आई बेली न्यू. तो लाइक ही वॉज लिटरली लाइक डाइंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज हाँ यार अब हो रहा था, लाइफ है. तो वी कॉल्ड फॉर द एम्बुलेंस एंड माई अंकल एवरीवन दे अराइव्ड एंड वी ऑल वेंट डाउन. और एम्बुलेंस में जगह नहीं थी, तो आई वाज लाइक आप लोग बैठ जाओ मैं पीछे से आता हूँ. तो लिटरली मैं एम्बुलेंस के पीछे भाग रहा था एंड इट फेल्ट लाइक अ वेरी ड्रामेटिक सीन. एंड सॉरी बट मैं हुई ऐसा बंदा, मैं तभी भी सोचा कि कितना सिनेमैटिक मूव हो रहा है ना यार, मैं फजलू. एंड ही सेड After you guys left, they threw the glasses away and they threw the bed sheet, the new bed sheet away. And उन्होंने बहुत डांट लगाई मुझे कि तुम क्यों इनको हमारे घर में लाए, और ये क्या हमारे बच्चों से भी इनकी दोस्ती है, तुम भी मत खेला करो इनके साथ. ही वो All I wanted to do was talk to him and we found out he was an alcoholic and he got into a fight and it's one of the things I say on dates to freak men out. My dad got murdered. This will get you 1,000,000 views. Put it on the thumbnail. Our dad got murdered. Like, I really didn't know what to do. Eventually, they wrote my report and it was the most, like, I can never forget that 1 month when I had to go to the police station every day and make efforts to ask for a thing which, मतलब मेरी क्या गलती है इसमें कि मेरा लैपटॉप चोरी हुआ है, और लाइक और मैंने उस पर काम करना है, मैं 1 महीने से ढंग से क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी सॉफ्टवेयर मुझे सिखा रहे हैं मैं उसको ट्राई नहीं कर पा रहा हूँ, और पहले ही थोड़ा उस पर स्ट्रेस पे चल रहा हूँ कि कैसे होगा. सो मैं 1 महीना रोज़ पुलिस स्टेशन जाता रहा. वन फाइन डे द पुलिस कमिश्नर और हुएवर द पुलिस पर्सन वॉज देयर कॉल्ड मी एंड सेड कि सर आपका लैपटॉप नहीं मिला, लेकिन आपके लैपटॉप बैग में जो वॉलेट था वो मिला है 17 सेक्टर बस स्टैंड. तो चंडीगढ़ में 17 सेक्टर बस स्टैंड में आपका वॉलेट मिला है, उसमें पैसे नहीं है, आपका आधार कार्ड है और 2-3 चीज़ें हैं, तो आप सर आ जाइए पुलिस स्टेशन. आई वॉज सो एंग्जियस टू गेट अ प्रॉपर प्लेस टू लिव, अ प्रॉपर प्लेस टू हैंग अराउंड. आई वॉज सो terribly in need of that. Aur mera shoot chal raha hai, I'm doing one of my passion projects which I have been working on since 6 months, aur I have to act in it, I have written it, I have to be on set all the time. Uske baad mere ko ghar dhoondna hai, aur I'm very fond of cooking food, so I haven't been able to cook also. I haven't been able to feed myself with good food which my mom has taught me. Unne mere ko bachpan se sikhaya khana banana, aur main apne aap ko khana nahi khila pa raha hu. That's one of the terrible, matlab main usse zyada kharab feel nahi kiya maine. और तुम उसके घर पे, और वो मेरे को समझ आ गया है कि वो घर नहीं देना चाहता है, बट वो बहाने बना रहा है कि यार डबल किराया लगेगा. तो आई वाज लाइक ओके चलेगा, आई वाज लाइक कि अकेले रहना पड़ेगा इस घर में पूरे 3 BHK में. मैंने कहा चलेगा. देन ही कॉल्ड अप द लैंड द मकान मालिक, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, हाउस ओनर क्या बोलते हैं, लैंड लॉर्ड, वही चल रहा था. एंड देन आई वेंट टू द हॉस्पिटल बिहाइंड लाइक बिहाइंड एवरीवन, और आई सॉ माय डैड एंड बस डॉक्टर आके बोल दिया कि इज नो मो. तो उस पर कुछ लिखा था मैंने कि मतलब मैं पोएट तो नहीं हूँ, बट ऐसा लिखा था मैंने कि मैं अम्मी को देख रहा था, अम्मी मुझे देख रही थी, गुजरे तो सिर्फ अब्बू थे लेकिन उस कमरे में 3 लाशें सो रही थी. द ओनली वे दे कुड रिकॉग्नाइज हिज बॉडी इज बिकॉज माई नेम वॉज रिटन ऑन इट. सो यूड थिंक मतलब मैं तो हूँ ऑलरेडी, और ऑलरेडी मेरे पापा भी बहुत ही फिल्मी थे. जब बी आई स्टार्ट व्हेन ही डाइड आई वांटेड टू गेट टू नो थिंग्स अबाउट हिम मोर. आई वाज मोर क्यूरियस नाउ. दिस टाइम आई वाज लाइक नो आई वांट टू गेट टू नो हिम. सो आई स्टार्टेड डूइंग द थिंग्स ही लाइक्स. फॉर एग्जांपल ही लाइक्स ईटिंग आलू गोभी, सो एंड इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ एसिडिटी, बट आई स्टिल ईट इट
बिकॉज इट्स द ओनली टाइम वी शेयर समथिंग टुगेदर. तो मैं गया, मैंने बोला दिखाओ कहाँ है मेरा वॉलेट. एंड दे सेड नहीं है सर, हमें कॉल आया कि वो इंसान वहाँ पे खड़ा है, तो हमें शक है कि वही इंसान ने आपका लैपटॉप भी चुराया है और हमें वहाँ जाके उसको पकड़ना होगा रंगे हाथ इससे पहले कि वो भाग जाए. तो आई एम लाइक ओके. तो बहुत ही फिल्मी सीन हुआ. उन्होंने बोला आप ऑटो में जाओ, हम आपके पीछे पुलिस वैन में आएंगे. तो मैं 17 सेक्टर गया, उस इंसान को कॉल किया कि हाँ भाई मेरा वॉलेट दो. एंड पुलिस ने उस इंसान को भी पकड़ लिया कि चलो चलो पुलिस थाने, लैपटॉप वापस दो इसका. एज अ 10-year-old ये चीज़ आपके लिए थोड़ी अजीब है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर गेटिंग टू नो दैट विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ योर ओन, जस्ट आउट ऑफ योर एग्जिस्टेंस, समबडी कैन से समथिंग लाइक दैट टू यू. एंड देन वेन यू आर अ किड यू स्टार्ट फाइंडिंग अ फॉल्ट विद योर सेल्फ कि क्या हमने कुछ ऐसा कहा, हमने क्या किया. बट द ओनली थिंग दैट दे फ्लैग्ड इन दैट होल कॉन्वर्सेशन वॉज when we told them our names, that was pretty much it. मैं ऐसे ही fake call किया कि okay the landlord is doesn't want to give you the house. So मैं जैसे बता रहा हूँ कि मैं नहाने का उतना शौकीन था नहीं उस time तक, लेकिन वो उस time पे सर्दी चल रही थी और मतलब आप समझ सकते हो ना सर्दी में if you don't get like proper गर्म पानी to bath, like मैं बहुत अजीब हो गया था. तो उसने बोला कि घर तो नहीं मिल पा रहा है तो आप जाओ. और मेरे पास कोई जगह नहीं जाने की, आई जस्ट हैड टू मतलब किसी दोस्त के घर जाना पड़ेगा मेरे को, किसी कलीग के घर जाना पड़ेगा. और तो मैंने उससे जाते थे, मैंने मेरे को ऐसा लगा कि बिकॉज वो घर अच्छा था और आई वांटेड दैट प्लेस. तो मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा सर मैं नहा सकता हूँ यहाँ पे. तो उसको लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, उसको लगा मैं मजाक कर रहा हूँ. कह रहा है भाई हाँ हंसी मजाक कर रहा है, आप तो कॉमेडियन हो चलो. तो मेरे ख्याल से ये मेरे जीवन का बहुत ही सैड पार्ट था और मतलब मैं आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू दैट स्पेस अगेन. टर्न्स आउट ही वॉज अ वेरी इनोसेंट पर्सन. वो बेचारा एक ड्राइवर था जो पंजाब से चंडीगढ़ हर वीक आता था. कोई वहाँ पे बच्चे पढ़ते थे जिनको घर लेके जाता था, चंडीगढ़ में पढ़ते थे, उनका होम टाउन पंजाब में था, उनको ड्रॉप करता था. एंड उस बंदे को पुलिस ने लाइक एक घंटा थोड़ा ट्रामेटाइज किया, बिठाया, सवाल पूछे, जस्ट सो दैट दे कुड सेटिस्फाई मी कि यू नो कि देख हम कुछ कर रहे हैं तेरे लिए. And turns out he was an innocent person. I felt really bad for him. And that was the last day I hoped I'll find my laptop. And I never went to the police station again. It was one of the saddest things that happened to me. And I will remain to be a dadless child. And that is a reality I still come, like, it's still hard because my mother has done everything. And I hate when people tell single parent children that tumhari maa tumhara baap ban jayegi. That's no need to put gender roles, no need to put any of that there. But I wish I had a father. Ye hai ki wo din mujhe bas realize hua ki I think it's things are beyond content, things are beyond cinematic approach. You can be authentic, you can be yourself. Yeah, I mean, I still feel bad about not feeling so sad that day, honestly. But it is the saddest day of my life. Main zyada sad nahi feel hota hu, main kafi ekdam chill hai, theek hai, life hi hai. Saddest thing about this whole story is the chadar because it looked new. And I just feel like फेंकना तो नहीं चाहिए था, एटलीस्ट कुछ पोछा वगैरह बना लेते, एटलीस्ट दे कुड हैव डन समथिंग प्रोडक्टिव विद इट. फेल्ट अ लिटिल बैड अबाउट द चादर, बट आई फेल्ट द वर्स्ट अबाउट नॉट हैविंग दैट नींबू पानी अगेन. दैट इज व्हाट आई मिस मोस्ट ऑफ इट, अदर देन द हेट एंड लव एंड एवरीथिंग एल्स. जेनरली मैं कुछ सीखता नहीं हूँ इतना, मैं बहुत ही मुझे अगर लाइफ भी कुछ लेसन सिखाती है तो मुझे दो बार रिवाइज करना पड़ता है वो लेसन भी. आई शुडंट स्टॉप बीइंग अ गुड पर्सन बिकॉज बैड थिंग्स आर हैपनिंग टू मी बिकॉज दे विल कंटिन्यू एंड दे स्टिल कंटिन्यू टू हैपन विद मी. बट आई शुडंट चेंज द कोर ऑफ वॉट आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ एन इंसिडेंट दैट हैपन टू मी एंड शुक मी फॉर अ वाइल. आई लिटरली फ्रोज व्हेन आई वोक अप एंड डिडंट सी माई लैपटॉप. ऑनेस्टली मेरे को ज़्यादा दुख इस चीज़ का हुआ था मेरे फ्लैटमेट का चोरी नहीं हुआ था. एंड लाइक मेरा ही क्यों. दैट हाउस इज द फॉरमोस्ट थिंग आई हैव टू फोकस ऑन बिकॉज आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन. दो चीज़ें मुझे कहीं भी मैं रहूँगा, दो चीज़ें आई हैव टू फोकस, माई रूम एंड माई पीपल. सो आई हैव टू बी अराउंड माई पीपल. मैं पहले सोचता था कि मैं अकेले रहूँगा बट मैं अकेले नहीं रह सकता. मेरे को बकचोदी का बहुत शौक है और मेरे को शाम को बकचोदी चाहिए चाहे मैं कहीं भी रहूँ.
वो है ऑलवेज आई हैव टू हैव माई सपोर्ट सिस्टम अराउंड मी. और दूसरी चीज़ की आई हैव टू हैव अ हाउस, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उसमें गीजर होना चाहिए, गैस होनी चाहिए, बर्तन होने चाहिए, मैं बाकी सॉर्ट कर लूँगा. मेरी माँ ने एक बार जोक क्रैक किया कि मेरे बाप नहीं है, एंड दैट एज अ कॉमेडियन वॉज माई बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट, बिकॉज आई वॉज लाइक इफ माई मदर कैन क्रैक अ जोक ऑन द फैक्ट दैट शी डजंट हैव अ हस्बैंड एंड दैट ही इज डेड, एंड आई एम लाइक आई हैव डन इट. आई डोंट केयर इफ आई डोंट गेट, आई डू केयर इफ आई गेट अ स्पेशल नेटफ्लिक्स प्लीज, बट इट मेंट द वर्ल्ड टू मी. एंड व्हाट आई लर्नड फ्रॉम माई डैड्स डेथ वॉज दैट माई सेंस ऑफ ह्यूमर विल ऑलवेज गेट मी थ्रू इट. And turns out he was also a really funny guy. He was a proper like a party person, even though I am not. I'm not the person who says something at a party and everybody goes like ha 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 ha. But he was. And I take that from him. So it's the fact that I could laugh on the fact that he's no more is what got me through it and what got my mother through it. And now I actually have a WhatsApp chat called Dad where I send voice notes to him and I'm literally talking to him. And I'm that day I was sending him a voice and I was talking to him and I was on Hinge and I was like, see, I'll date these guys because of you, because you are an asshole, and I'm laughing out loud as if he's actually sitting there. But he's a good conversationalist and a good listener because he's dead. But see, you have to crack a joke about it and then it'll be fine. I was very carefree. I was very क्या बोलते हैं कि आई वुडन गिव टू फक्स अबाउट एनी थिंग, बट आई थिंक दैट इंसिडेंट रियलाइज के मेन मी रियलाइज के ठीक है, लाइफ कैन गेट अ लिटिल सीरियस, यू नीड टू गेट अ लिटिल सीरियस. और इट जस्ट मेड मी रियलाइज कि आई कैन ऑल्सो डू थिंग्स, लाइक आई डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स, यू नो. आई ऑनेस्टली जितने नेगेटिव मैं सोच सकता हूँ उससे ज़्यादा पॉजिटिव ही आए इस चीज़ से. एंड आई नो इट्स सैड फॉर अ पर्सन टू थिंक कि हाँ डेथ से पॉजिटिव चीज़ें आ रही है, बट मेरे डैड की डेथ से पॉजिटिव चीज़ें आई है. आई लर्न अ लॉट, आई बिकेम अ मैन, ऑल्दो आई लुक लाइक अ 12 ईयर ओल्ड बॉय, बट आई बिकेम अ मैन. आई लर्न अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आई हैव अ सिस्टर हु वॉन्ट्स टू बिकम अ डबिंग आर्टिस्ट एंड आई एम लाइक या आई एम मेकिंग अ डिसीजन. आई एम टेलिंग हर कि जा जी ले, जो करना है कर ले. I learned a very nice thing about hate, that you don't actually have to do anything to be hated by somebody. Sometimes you just have to exist and it's good enough to be on somebody's radar. Also the fact that hate is not very black and white. It's not very like this is the person you hate, this is the person that you like. It's always, it stems from the fact ki you are being defensive. Puri duniya se aap किसी तरह अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को बचा रहे हैं, जो आपकी नज़र में बुरा है. आप उससे चाहते हो कि हम एक्सपोज ना करें अपनी फैमिली को. सो इट्स काइंड ऑफ स्टेमिंग आउट ऑफ सम सॉर्ट ऑफ लव, अ ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ इट, बट ऑन द कॉस्ट ऑफ समवन एल्सेस लाइफ एंड समबडी एल्सेस इमोशंस. स्टील के ग्लासेस फेंक दिए दानियल, स्टील ग्लासेस, दैट्स अ लॉट.